Hi guys and welcome back. So today I'm doing a video jo originally mere planned videos of the month ki list mein to nahi tha. This is an unexpected addition, but I'm so excited, I'm so happy to be a part of it. और इसीलिए जब लास्ट मिनट मुझे इनवाइट आया मैं मना कर नहीं पाई बिकॉज सच थिंग्स आर रेयर फॉर मी और इसीलिए ही मैं आपके साथ अपनी एक्साइटमेंट अपनी खुशी शेयर करना चाहती हूँ ऑल्सो फॉर माई पर्सनल सेक फॉर माई पर्सनल मेमरीज आई वॉन्ट टू डॉक्यूमेंट दिस ऑन द इंटरनेट सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज दैट मुझे कुछ हफ्तों पहले एक दो हफ्ते पहले इनवाइट आया टू अटेंड अंजू मोदी शो अब ऐसा नहीं है कि मैंने पहले फैशन शोज़ अटेंड नहीं करे आई हैव अटेंडेड देम इन द पास्ट बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैव स्टार्टेड डूइंग दिस होल इन्फ्लुएंसर थिंग इफ़ यू से सो कि लाइक फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग एज एन इन्फ्लुएंसर और वो सब तो ठीक है आई विल ऑल्सो भी वेयरिंग an Anju Modi ensemble so I will be dressed in her outfit and then I'll be attending the show so ye cheez mere liye bahut rare hai and mujhe laga I have to share it with you all because this is not just my success I mean success as in this is not just mine I think we all get credit for this you guys for obviously encouraging me and supporting me so start karne se pehle I do want to share a little bit about Anju Modi अगर आप उनके बारे में नहीं जानते शी इज़ अ सीजन्ड डिज़ाइनर एंड वो बहुत टाइम से कपड़े डिज़ाइन कर रहे हैं कुछ उनकी नोटेबल कॉस्ट्यूम्स जिनसे आप सडनली उनका काम रिकलेक्ट कर पाओगे दैट विल बी कि उन्होंने रामलीला और बाजीराव मस्तानी इन दोनों के लिए कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करे थे वो जो दीपिका के मस्तानी के कॉस्ट्यूम्स थे अमेजिंग और रामलीला में भी उन्होंने ही कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करे थे और उनको फिल्म फेयर का बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर का अवॉर्ड भी मिला था इन 2016 और कमाल की बात आपको बताती हूँ मुझे उनसे मिलने का मौका मिला जब मैं कॉस्ट्यूम डिसाइड कर रही थी आई मीन आउटफिट डिसाइड कर रही थी कि मुझे क्या पहनना है शो में सो आई हैपन टू विजिट हर स्टूडियो और वहाँ पे वो बैठे हुए थे एंड मेरे लिए दिस वॉज़ लाइक अ गूज बम्प मोमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा किसी इतने सीनियर इंसान से मिलके सो सबसे पहले आपको दिखाती हूँ कि हमें कैसा इन्वाइट मिला है सो इस तरीके से इस बैग में इन्वाइट आया था And invite me. The first thing that we have is this black envelope. Our black envelope me. I have the invite. Actually, two invite hain. So one plus one. मेरे साथ मेरी sister भी जाएगी. So I have two invites. और इसमें एक envelope में ये भी लिखा है that dear Prerna, I would love for you to join me for my couture presentation on 27th July at 7:30 p.m. Looking forward. Love, Anju Modi. This is something that I think I'm going to cherish all my life. I'm not sure ये कितनी आम चीज़ है और if this isn't a big deal, but for me it's a big deal. I mean, yeah, I don't know. Okay, anyway, so next is box के अंदर Misa candle की Dewy Nights fragrance आई है and then I have another box और इस box में जो था वो अभी तक मेरे फ्रिज में पड़ा था मैं अभी इसके लिए निकाल के लाई हूँ सो इसके अंदर ये कुमाओ किचन बाय अपर्णा एक होम ग्रोन ब्रांड है और उनकी मैंगो चटनी है ये पैकेज आयो है आई थिंक अभी दो तीन दिन से ज़्यादा नहीं हुए हैं एंड वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड 3/4 ऑफ द चटनी इतनी अमेजिंग थी और फिर एक और चीज़ है बहुत ही स्पेशल सो आई हैव दिस डायरी मुझे नहीं पता इतनी कमाल की इतनी सुंदर डायरी में मेरी कभी कुछ लिखने की हिम्मत होगी या नहीं दिस इज़ दैट काइंड ऑफ थिंग बट या सो वेरी प्लश एंड आई थिंक रियली यूजफुल स्टफ इज़ देयर इन दिस पैकेज और मैं हमेशा से सोचती थी फैशन शो के इन्वाइट्स में क्या चीज़ें होती हैं but just happy to be receiving one. अब next मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या पहनने वाली हूँ क्योंकि उनका स्टूडियो नोएडा में ही था आई थॉट कि मैं खुद स्टूडियो पर जाती हूँ एंड ट्राई करके आती हूँ कि मैं कौन सा अंजू मोदी ऑनसॉम्बल पहनना चाहती हूँ सो आई डू वॉन्ट टू शेयर अ कपल ऑफ ऑप्शन विद यू जो मैंने वहाँ ट्राई करे एक तो सबसे पहले मैंने ये अनारकली ट्राई करा अच्छा लग रहा था मुझ पर आई लाइक द पेस्टल शेड्स एंड ऑल ओवर बहुत अच्छा लग रहा है
Then I tried this lehenga, और इस लहंगे के साथ actually दूसरी blouse था, एक golden color का, but वो मुझ पर suit नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा इस वाले blouse को try करते हैं. Although ये उनका blouse सारी के साथ style होता है, but मुझे इसका cut और fit इतना smart लगा इस blouse का, I thought चलो लहंगे के साथ पहन कर देखते हैं, तो एक ये option मैंने try करा. फिर उसके बाद मैंने ये वाला ऑप्शन ट्राई करा, दिस इज़ अ पेपलम कट टॉप और उसके साथ बहुत ही लाइट वेट. आई एम नॉट श्योर ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, ये कौन सी फैब्रिक है, बट टच एंड फील में ये बिल्कुल ऑर्गेन्जा थी. वो सॉफ्ट ऑर्गेन्जा होती है जो फ्लो करती रहती है, ये वो वाली ऑर्गेन्जा है. और दिस लुक्स लाइट वेट, बट इसके नीचे इतने लेयर्स हैं ना कि अच्छा घेरा है स्कर्ट में, तो ये भी बहुत सुंदर पीस लग रहा था. But finally, in the end, I ended up settling for this piece. जब मैंने इस पीस को पहना ना, मुझे बस पता था that this is the kind of piece that will look the most flattering on my body type. एक तो जो इसका blouse है, it doesn't have a lot of length. It cuts right below the bust. तो वो एक तो मुझे इसका फीचर बहुत अच्छा लगा. आजकल ना ब्लाउज में शॉर्टर लेंथ सारे डिज़ाइनर्स प्रेफर कर रहे हैं, सो आई रियली लाइक द शॉर्ट लेंथ ऑफ द ब्लाउज. बट देन व्हेन द लेंथ इज शॉर्ट और यू काइंड ऑफ जक्स्टपोज द एंटायर थिंग विद लॉन्गर स्लीव्स, आई फील लाइक वो बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन बन जाता है एंड इट लुक्स वेरी वेरी फ्लैटरिंग एस्पेशली ऑन मी. और इसके नीचे लहंगा है, ये गोटा एम्ब्रॉयडर्ड है पूरा लहंगा, एंड इसमें नीचे बहुत सारे लेयर्स हैं to give it that flare and that heavy look. I mean, I'm so excited to be wearing one, especially I think the belt really gives that contemporary look to the lehenga. So ye wala piece main pehenne wali hu. Now for the jewelry. Jewelry ke liye actually maine kahin se kuch mangwaya tha pehenne ke liye, but it's Wednesday. I mean, aaj shaam ko hi show hai aur mujhe nahi lagta wo time se pahunch payega. So mera backup जो है वो है ये वाला सेट जो मैं कई बार अब पहन चुकी हूँ, बट आई फील लाइक ये मेरी अलमारी में एक ऐसा नेकलेस सेट है जो काफ़ी वर्सेटाइल है और वो इस लहंगे के साथ अच्छा लगना चाहिए. प्लस व्हेन यू आर वेयरिंग अ डिज़ाइनर एंसेंबल, आई डोंट वांट टू वेयर समथिंग दैट्स ओवर पावरिंग द आउटफिट. आई वॉन्ट द आउटफिट टू शाइन, सो आई थिंक दिस इज मिनिमल येट एट द सेम टाइम इट विल कॉम्प्लीमेंट द आउटफिट. तो फिलहाल के लिए मैंने ये वाली ज्वेलरी सोची है, बाकी जब एक्चुअली पहनूंगी तब देखते हैं कैसा लगेगा. लास्टली एक और कमाल की चीज़ बताती हूँ, डिड यू नोटिस माई हैंड्स? सो आई थिंक आई हैव रीच्ड पीक इन्फ्लुएंसर बिकॉज आई एम गेटिंग माई नेल्स डन. बाल और कलर कराने की बात है, देन आई विल बी दैट इट इन्फ्लुएंसर. अब मैं क्या करूँगी कि रेडी होती हूँ और फिर आपके साथ अपना फाइनल लुक और सब कुछ शेयर करूँगी. ठीक है, बाय.